हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज हम बनाएंगे फ्राइड आलू की टिक्की, एकदम टेस्टी और क्रंची और स्वादिष्ट। तो मैंने यहाँ पे फ्राइड आलू टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, जो कि 9 आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं, छोटे छोटे मीडियम साइज़ के, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो करीबन आधा केजी है। और यहीं पे मैंने यहाँ पे स्टीम करे हुए मटर लिए हैं, फ्रोजन मटर। तो हम आज इसके टिक्की बनाएंगे। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं टिक्की का बैटर बनाना। तो मैंने अब ये जो आलू मैंने बॉईल करे हैं और इसको छिल भी दिया है और ठंडे हो गए हैं, तो हम इसे अब मिक्स मैश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैश करने वाला मैशर लिया है, तो इसे मैं दबा दबा के इसे मैश करूँगी इस टाइप से। और अगर आप हाथों से मैश करना चाहते हो तो आप हाथ से भी कर लोगे, हाथ से भी कर लेना, हाथ से तो और भी अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे इसे मैश कर रही हूँ आलू को। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आलू को मैश कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे जो मैंने मटर स्टीम करे हैं, ये देखो बिल्कुल स्टीम हो रखे हैं, तो मैं यहाँ पे मटर ऐड कर रही हूँ। और इसे भी हम प्रेस करेंगे मिक्सचर से, और इसे भी हम ऐसे दबा दबा के इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो हमने अच्छे से मैश कर दिया है मटर को भी और आलू को भी, तो अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे इंग्रेडिएंट्स। जो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा टेबल स्पून नमक और आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया लहसुन का पेस्ट, और यहाँ पे ये 3 लौंग, 4 काली मिर्च और एक हरी इलायची, इसको हम कूट के डालेंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो मैंने काली मिर्च, लौंग और इलायची कूट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से, 2-4 दाने मैंने सौंफ के लिए हैं और कुछ मैंने अजवाइन लिया है। तो ये फ्राइड टिक्की है तो उसमें बहुत अच्छा होता है ये पेट के लिए। अब दोस्तों, मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 2 मैंने हरी मिर्च ली है वो मैं ऐड कर देती हूँ, और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे धनिया लिया है वो मैं ऐड कर देती हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, और अब मैं इसे हाथों से मैश करूँगी। तो हाथों से मिलाऊँगी मैं इसे अच्छे से, ताकि नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए सब जगह अच्छे से मिक्स होने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो मैंने टिक्की बनाने के लिए बैटर भी रेडी कर दिया है, और अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैंने मैदा लिया है ये कोट करने के लिए टिक्की को। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका मैदे का घोल बना दूंगी, और ये मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा हमें मोटा घोल भी नहीं बनाना है और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है, और इसे मैं अच्छे से मिला दूंगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। मोटा हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है, ताकि टिक्की की बाहर की लेयर बिल्कुल पतली सी लेयर होनी चाहिए इसकी। तो इसे अच्छे से मिलाना है। तो हमें देखो इस तरह का इसमें हमें घोल बनाना है मैदे का, और अब हम इसे भी एक साइड रख देते हैं। अब आती है बारी, यहाँ पे देखो मैंने घर में ही ये ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। ये देखो दोस्तों, आप आसानी से घर में बना सकते हो ब्रेड क्रम्स। तो मैंने घर में बनाए हैं ये ब्रेड क्रम्स टिक्की को कोट करने के लिए बाहर से। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो हमारे सब इंग्रेडिएंट, सारे बैटर सब रेडी हो गए हैं, और अब चलते हैं हम टिक्की बनाने के प्रोसेस में। तो दोस्तों, अब हम इसके छोटे छोटे टिक्की बना लेते हैं। तो हमें छोटे छोटे हम इस तरह से हम टिक्की बनाएंगे, और इससे फिंगर की सहायता से अंदर की ओर इस टाइप से बनाएंगे पहले, और ऐसे हमें प्रेस करना है हथेली से, और ऐसे ही अंदर की ओर फिंगर से। तो हम
ऐसे ही सारे टिक्की बना लेंगे। और साइज अब आप अपने हिसाब से रख सकते हो, छोटे बड़े मोटे पतले, जिस साइज के भी आपको पसंद आए आप उस साइज के टिक्की बना सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी ऑलमोस्ट सारी टिक्कियों का शेप बन चुका है। तो अब मैं इसे डिप करूँगी ये मैदा का जो मैंने घोल बनाया है उसके अंदर। उसके बाद हम डिप करेंगे क्रम्स के अंदर, सेट कर देंगे इसे, कोट कर देंगे इसे बाहर से। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने मैदा का घोल बनाया है हम टिक्की को लेंगे इसके अंदर और इस तरह से इसे डिप कर देंगे और यहाँ इसे क्रम्स के अंदर इसे ऐड, ऐसे ही हम सारे टिक्की इसमें ऐड करेंगे मैदा के घोल के अंदर और सारे हम इधर ब्रेड क्रम्स के अंदर इसे सेट कर देंगे। तो दोस्तों देखो इस टाइप से हमें इसे सेट करना है। ब्रेड क्रम्स हम इसके ऊपर से डाल देंगे। तो दोस्तों हमने अच्छे से ब्रेड क्रम्स के अंदर सेट कर दिए हैं और इस पे कोड लगा दिया है बाहर से ब्रेड क्रम्स का। और अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राइड करेंगे। हमारे टिक्की सेट होते हैं तब तक हम यहाँ पे ऑयल को गरम कर लेते हैं। तो मैंने गैस को ऑन करके ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है। तो दोस्तों हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो चुका है कि नहीं। थोड़ा सा हम इसमें कुछ बैटर डालेंगे और इसे हम चेक करेंगे। तो देखो नॉर्मली यहाँ पे हमारा ऑयल गरम हो चुका है, हमें ज़्यादा खोलते ऑयल में हमें ये टिक्की तलने नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल, नहीं तो टिक्की एकदम से जल जाएगी। तो ये देखो दोस्तों मैं यहाँ पे एक एक टिक्की करके ऐड कर दूंगी। तो दोस्तों हम यहाँ पे टिक्कियों को पलट लेते हैं। तो ये देखो हमारी टिक्की एक साइड तो सिक गई है तो हम इन्हें दूसरी साइड भी सिक लेंगे। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे हमारे टिक्की बनके देखो बिल्कुल रेडी है, कितना अच्छा कलर आया हुआ है और एकदम क्रिस्पी टाइप बने हुए हैं। तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखो कितनी सुनाई दे रहा होगा आपको, देखो कितने अच्छे बने हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर लिया है, ये ऑयल को सोख लेता है, तो मैंने निकाल दिए हैं एक प्लेट में। तो ऐसे ही हम सारे टिक्की तल लेंगे। ये देखो दोस्तों हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी टिक्कियाँ बन चुकी हैं। ये देखो कितने क्रिस्पी टाइप बने हैं, वाओ। ये देखो, तो आप भी अपने घर पे इसी तरह से टिक्की बना के खा सकते हो। और मेरे टिप्स और ट्रिक्स जरूर फॉलो करना और ऐसे ही टिक्की बनाना भी। ये देखो तो दोस्तों मेरी यहाँ पे टिक्की की रेसिपी, फ्राइड टिक्की की रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है। तो कैसे लगी आपको मेरी ये रेसिपी, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कैसे लगी। वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आएगा उसे क्लिक कर देना, वहाँ पे बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर देना, मेरी जो आने वाली रेसिपी होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और मैं मिलूँगी आपको न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।